हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक सीखा था। इस वीडियो में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के तीन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तीनों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे गाइस, क्लियर है? चलिए, इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई की पावर माइनस फोर टी इंटू साइन थ्री टी। देखिए गाइस, लाप्लास सॉल्यूशन करते हैं इसका। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई की पावर माइनस फोर टी इंटू साइन थ्री टी। हमने आपसे जब इसके पहले वाला जो बेसिक वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि किसी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले ये जरूरी होता है कि उस क्वेश्चंस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। क्लियर है गाइस? चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चार प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली, मल्टीप्लाई बाई टी, डिविजन बाई टी, इंटीग्रल फॉर्म एंड e की पावर एटी का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है गाइस? चलिए देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें लगी हुई हैं। टी मल्टीप्लाई, इसका मतलब हुआ मल्टीप्लाई बाय टी एक प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब इसको हम छिपाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, e की पावर कुछ भी लिखा हो उसका भी क्या है यहां पर, मल्टीप्लाई। तो e की पावर एटी मल्टीप्लाई ये भी एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, तो इसको भी छिपाएंगे। मैंने कहा था प्रॉपर्टीज को छिपाने के बाद फाइनली जो कुछ भी बचेगा वही अपना एफ टी कहलाएगा। तो यहां पर कितना बचा है गाइस, साइन थ्री टी। इसका मतलब हुआ अपना एफ टी कितना आया, साइन थ्री टी। इस एफ टी का लैपलास लीजिए, साइन थ्री टी साइन एटी का लैपलास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना आया गाइस, एफ एस। क्लियर है? एफ टी का लैपलास एफ एस। अब हम वन बाई वन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए गाइस, दो प्रॉपर्टी लग रही है, एक मल्टीप्लाई बाई टी एंड मल्टीप्लीकेशन बाई ए की पावर एटी। याद रखिएगा, जब भी कभी एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज लगी हो और उनमें e की पावर एटी प्रॉपर्टी के अलावा यदि कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी लगी हुई है, देन e की पावर एटी को सबसे लास्ट में यूज करते हैं। e की पावर एटी जो प्रॉपर्टी है इसको लास्ट में यूज करते हैं। मैं यहां सर्किल करके लिख देता हूं गाइस, यदि इस प्रॉपर्टी के साथ कोई और प्रॉपर्टी लगी है तो इस प्रॉपर्टी को लास्ट में यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को लास्ट में यूज करते हैं, क्यों करते हैं यह भी आपको नीचे क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो गाइस सबसे पहले यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो यूजिंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, प्रीवियस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये उसका फार्मूला होता है, मैंने लिख दिया। अब यहां पर टी चाहिए, मतलब टी की पावर कितना चाहिए, वन। यहां पर कितना है गाइस, टी की पावर n, तो n के प्लेस पर अपन कितना पुट करेंगे, 1 कीजिए। t ft कितना आएगा गाइस, sin 3t। राइट हैंड पर आइए, माइनस वन की पावर 1 d अपॉन ds, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। fs, fs कितना है, 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9। यदि मैं डिनोमिनेटर से कोई चीज न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स। क्यों ले गया गाइस, क्योंकि मुझे यहां पर करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, मैं यहां पर कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब भी कभी मुझे किसी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना हो और उसकी न्यूमिनेटर में कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, तो हमेशा उस फंक्शन को इनवर्स में ले जाकर डिफरेंशिएट कीजिएगा गाइस, बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करना हो और उसका न्यूमिनेटर में कॉन्स्टेंट टर्म हो और डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, तब आप u अपॉन b मतलब डिवीजन फार्मूला ना लगाएं, आप डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इनवर्स में ले जाएं और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें। क्लियर है गाइस? चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये माइनस वन ये वाला लिखा हुआ है, थ्री बाहर आ गया। किसी भी फंक्शन में यदि पावर लगी है तो सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट किया जाता है। पावर बाहर आएगी, एक पावर कम की जाएगी, तो पावर बाहर आई मतलब माइनस वन, माइनस वन की जगह हुआ गाइस माइनस टू, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। तो जब इस वाले पार्ट का करेंगे तो एस स्क्वायर का कितना आएगा, टू एस। यहां पर माइनस माइनस प्लस हुआ,
थ्री इंटू टू सिक्स एस माइनस है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा। क्लियर है गाइस यहां तक? चलिए अब मैं कुछ यहां कहना चाहता हूं, यदि किसी को भी ये जो मैंने यहां डिफरेंशिएशन किया है गाइस, यदि इसमें प्रॉब्लम आई हो या उसका डिफरेंशिएशन वीक हो, तो उसके लिए मैं बहुत जल्द एक बेसिक डिफरेंशिएशन का और बेसिक इंटीग्रेशन का वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग सबसे पहले उस बेसिक वीडियो को देख लीजिएगा। अभी बस इतना समझिए इस फंक्शंस का ये डिफरेंशिएशन हो गया। मैं सारी चीज ज्यादा एक्सप्लेन करके इसलिए नहीं बता सकता गाइस, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखने में आपको बोरियत फील होगी। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं वीडियो छोटा हो, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। क्लियर है गाइस? यदि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करूंगा। तो जिसे प्रॉब्लम है वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कंप्लीट। यहां तक आ गए अपन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टेन इंटू साइन थ्री टी सिक्स एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर। क्लियर है गाइस? चलिए अब एक प्रॉपर्टी और बची थी, e की पावर एटी का मल्टीप्लीकेशन। तो याद कीजिए जब मैंने आपको गाइस बेसिक पढ़ाया है, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था कि यदि e की पावर एटी का मल्टीप्लाई होगा तो s की जगह पर s माइनस ए रिप्लेस किया जाएगा। यही पढ़ाया है मैंने, s की जगह पर क्या रिप्लेस किया जाएगा गाइस? s माइनस ए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में मुझे किसका मल्टीप्लाई करना था, e की पावर माइनस फोर टी का। यहां पर क्या लिखा है, a यहां पर कितना है माइनस फोर, तो यहां a की जगह माइनस फोर रिप्लेस कीजिए तो यह आएगा गाइस s प्लस फोर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस फंक्शन में e की पावर माइनस फोर्टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो s की जगह पर s प्लस फोर को रिप्लेस करना होगा। ये फाइनल आंसर का रिजल्ट हो गया, ये मैंने जो साइड में आपको रफली बताया। क्लियर है? लेकिन इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले प्रॉपर्टी, e की पावर एटी यदि किसी फंक्शंस में मल्टीप्लाई होती है तो s के प्लेस पर s माइनस ए रिप्लेस होता है। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है गाइस। ओके, ये मैंने रफली बता दिया। फाइनल आंसर क्या आना है, यहां s की जगह पर s प्लस फोर रिप्लेस करना है और यहां पर e की पावर माइनस फोर्टी का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसे सीक्वेंस में कैसे करेंगे, इतना आया गाइस। अब देखिए यहां पर चाहिए माइनस फोर, तो हम ए की जगह पर कितना लिखेंगे गाइस, माइनस फोर लिखिए। ए की पावर माइनस फोर्टी एफ टी, यहां पर माइनस फोर लिखेंगे तो कितना आएगा गाइस, प्लस फोर। अब इस फंक्शन में हम माइनस फोर्टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्लेस पर जहां जहां s होगा उसकी जगह पर s प्लस फोर लिख देंगे। क्लियर है गाइस? आई होप पूरा क्लियर होगा, फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर लिख दिया करें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, सारे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये लिखा हुआ है, देखिए गाइस क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल जीरो से टी e की पावर टी साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी। क्लियर है? चलिए देखिए सबसे पहला टास्क एफ टी निकालना है। एफ टी कैसे निकलेगा गाइस, जब अपन को ये पता हो कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, उनको हटाएंगे, उसके अलावा जो कुछ भी बचेगा वो अपना एफ टी कहलाएगा। देखिए इंटीग्रल जीरो से टी मैंने आपको पढ़ाया है, जीरो से टी यदि इंटीग्रल है तो वो एक प्रॉपर्टी होता है, तो ये हट जाएगा। ये हटेगा गाइस, ये हटेगा तो ये डीटी भी हट जाएगा, हट गया यानी। नेक्स्ट ई की पावर टी का मल्टीप्लीकेशन, ये भी गाइस एक प्रॉपर्टी होती है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा तो ये भी छिप जाएगा। डिवीजन बाय टी, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है गाइस, जैसे मल्टीप्लीकेशन होती है वैसे ही डिवीजन होती है, तो ये भी छिप जाएगी। तो बचा कितना गाइस, साइन टी। इसका मतलब अपना एफ टी कितना हुआ गाइस, साइन टी। जैसे ही एफ टी आ जाता है उसका लाप्लास लीजिए, साइन टी का होगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, ये फार्मूला है आप देख लीजिएगा। एस के फॉर्म में यदि कोई रिजल्ट आता है तो वो एफ एस कहलाता है। अब यहां पर तीन प्रॉपर्टी हैं, एक इंटीग्रल, ई की पावर एंड डिवीजन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था यदि ई की पावर टी के पहले कोई और प्रॉपर्टी लगी हुई है गाइस तो सबसे पहले उसे यूज करते हैं और इसको सबसे लास्ट में। तो अभी हम कौन सी यूज करेंगे, डिवीजन। तो मैंने पहले क्या यूज की गाइस, डिवीजन प्रॉपर्टी, एफ टी अपॉन टी इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी एफ एस इंटू डी एस। साइन टी अपॉन टी वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, एफ एस कितना है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। ये जो लिखा हुआ है ये टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर उल्टा कर देंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आएगा गाइस, टेन इनवर्स एस। सॉल्यूशन होता है अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। क्या होता है गाइस सॉल्यूशन? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स एस। मैंने बेसिक वीडियो में भी टेन इन ये वाला क्वेश्चन डाला हुआ था, यहां पर वो फिर से आया है, तो देखते हैं। टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है गाइस? पाई बाय टू मीन्स 90 डिग्री की। पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस, और मैंने ये फार्मूला लिखा था, ये होता है कॉट इनवर्स एस। ठीक है, चलिए गाइस इसके आगे देखते हैं। अब हम यहां पर वो प्रॉपर्टी लगाएंगे जो दो अभी बची हुई थी, एक मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एंड इंटीग्रल फॉर्म। तो सबसे पहले लगाएंगे ई की पावर एटी का मल्टीप्लीकेशन। ई की पावर एटी का मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी होती है एफ ऑफ एस माइनस ए। देखिए मैं रफ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूं, यदि ई की पावर एटी का मल्टीप्लाई होगा तो एस की जगह पर आएगा एस माइनस ए। आप लोग ये रफ पे इस तरह लिख लिया करें। अब देखिए अपन को चाहिए था ई की पावर टी, मतलब ए की वैल्यू कितनी चाहिए? वन। तो अपन अगर यहां ए बराबर वन लिखेंगे तो ये आएगा गाइस एस माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं ई की पावर टी का मल्टीप्लाई करूंगा, ई की पावर टी का मल्टीप्लाई करूंगा तो एस के प्लेस पर एस माइनस वन लिखना पड़ेगा। मीन्स यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस फंक्शन में यदि मैं ई की पावर टी का मल्टीप्लाई करूं तो यहां एस की जगह पर आएगा एस माइनस वन। क्लियर है? देखिए वही हुआ है, ई की पावर टी का मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ था इसमें एस के प्लेस पर कितना आ जाएगा? एस माइनस वन। क्लियर है? चलिए लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी बची हुई थी? इंटीग्रल फॉर्म। बहुत सिंपल है ये तो, इंटीग्रल फॉर्म की प्रॉपर्टी होती है वन अपॉन एस इंटू एफ एस, मतलब जो भी फंक्शन आए उसमें किसका भाग दे दीजिए? एस का। तो ये फंक्शन लिखा हुआ था कॉट इनवर्स एस माइनस वन, इसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने? एस से। ये अपना फाइनल आंसर हो गया गाइस। क्लियर है? तो ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई भी इशू नहीं था। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो क्वेश्चन है गाइस वो टफ नहीं होते हैं, बस अपन को समझना होता है कि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, कैसे लग रही है, बस इतना याद रखना होता है। क्लियर है? चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है ये भी, देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू वन जीरो टी टू, टी माइनस टू, टू इज लेस देन आर इक्वल्स टू टी। ये लिमिट दे रखी है उसने, ठीक है? आपने पढ़ा होगा एम वन एम वन में फोरियर सीरीज वगैरह में इस तरीके से इंटीग्रल, तो वो यही है। चलिए अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को देख के गाइस इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बताइए। क्या इसमें मल्टीप्लाई बाय टी, डिवीजन बाय टी, इंटीग्रल फॉर्म, ए की पावर एटी, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? आई होप नहीं आ रहा होगा। क्लियर है? तो जब इस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है देन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? याद कीजिए गाइस, जब मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट किया था बेसिक वीडियो में, तो मैंने वहां पर उसका एक बेसिक फार्मूला लिखा था, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी लिखा था। यानी हमेशा याद रखिएगा गाइस, जब भी कभी लिमिट फॉर्म में क्वेश्चन आएगा इसका मतलब है उस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टीज यूज नहीं होंगी, वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक्स फार्मूले का यूज करके सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। पहली लिमिट क्या होगी? जीरो से टू। अगली क्या होगी? टी इज ग्रेटर देन टू, इसका मतलब ग्रेटर देन टू का मतलब हुआ टू से लेकर इनफाइनाइट तक, क्योंकि अपन लिमिट कितनी है गाइस? इनफाइनाइट। तो इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जीरो से टू और टू से इन्फिनिटी। जीरो से टू में जो एफ टी है इसकी जगह पर लिखा जाएगा गाइस वन। क्लियर है? और जो टू से इन्फिनिटी है इसमें एफ टी की जगह पर लिखा जाएगा टी माइनस टू। ये दो टर्म आ गए, यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, यहां पर तो एक ही फंक्शन है डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, बट यहां पर दो फंक्शन हैं तो यहां यूज करना पड़ेगा गाइस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये फार्मूला लिखा हुआ है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, मैं कई वीडियोज में इसको लिख चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंटू सेकेंड का, इस वजह से आप लोग इसे याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, और आई थिंक आप सभी को याद भी होगा, बट फिर भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकेंड का इंटीग्रल। क्लियर है? चलिए तो देखिए ई की पावर माइनस एस टी का कितना होगा? ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, जीरो से टू लिमिट हो गई। इस वाले को देखिए, फर्स्ट मतलब टी माइनस टू, सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी का होगा ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस डिफरेंशियल फर्स्ट, तो टी का कितना आएगा? वन। सेकेंड का इंटीग्रल ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस,
इस वाले फंक्शंस को अभी फिर से इंटीग्रेट करना है। तो मैंने अगले स्टेप में जब इसे इंटीग्रेट किया तो ये आया माइनस ए की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस आएगा, और माइनस पहले से लिखा है तो कितना बन जाएगा प्लस एस स्क्वायर। क्लियर है गाइस? चलिए अब सॉल्यूशन क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। याद रखिएगा गाइस, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू होती है जीरो, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है जीरो, इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे सॉल्व किया। देखिए अपर लिमिट कितनी है गाइस, टू, टू एस जीरो जीरो, अब यहां पर रखना है माइनस इन्फिनिटी, तो यहां क्या लिखा होगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा गाइस जीरो। यहां पर आइए e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा जीरो। नेक्स्ट टू रखिए, तो यहां पर आइए टू माइनस टू कितना बनेगा जीरो, मतलब ये पूरा टर्म क्या आएगा जीरो, इसलिए मैंने यहां तीन जीरो लिखी है। और लास्ट टर्म लोअर लिमिट में माइनस लगाते हैं, यहां माइनस पहले से है तो क्या बन जाएगा प्लस, कितना रखना था टू, तो यह आएगा माइनस टू एस बाई एस स्क्वायर। क्लियर है गाइस? चलिए, किसी भी फंक्शन की पावर यदि जीरो है तो वैल्यू होती है उसकी वन, किसी भी फंक्शन की पावर यदि जीरो है तो वैल्यू कितनी होगी गाइस वन। तो ये वाला टर्म आ गया, यहां से ये वाला टर्म आ गया, और यही अपना फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है गाइस? इनको बार बार देखिएगा, यदि आप लोगों को कोई भी डाउट आए तो प्लीज उसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल दिक्कत में मत रहिएगा। मैं कुछ दिन बाद लाइव आऊंगा, अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, डाटा ना होने की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, बहुत जल्द मैं लाइव आपके साथ मिलूंगा, तो कोई भी इशू होगा तो मैं उस पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है गाइस? आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।